हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरे तरीके से सीख लिया था कि किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और रीज़न क्या रहता है उसको उस तरीके से बनाने का। तो आज के लेक्चर में हमने एक फॉर्मेट तो ऑलरेडी सीख ही लिया था ट्रेडिंग अकाउंट का, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जगह क्या बोल देते होते हैं कि आपको क्लोजिंग एंट्रीज लिखनी है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, तो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा इजी सी चीज़ है, तो आज वही हम लोग जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, जो कि है क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये जो हमने एंट्रीज डालनी होती है, जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाना होता है वो कैसे बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस को बेस लेके हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो हमें पता है ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हर चीज़ लिखी होती है वहाँ पर, जितने भी अकाउंट हेड्स हमारे पास थे साथ ही में लिखा होता है उसका कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था कि क्रेडिट बैलेंस था, तो वो बैलेंसेस हमें दिए होते हैं। अब उन बैलेंसेस को हमें सिंगल इफेक्ट देना होता है और ट्रांसफर करना होता है, चाहे हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करें, चाहे हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करें और चाहे हम उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करें। हमें अच्छे से पता है ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस दिए हुए हैं उनको हमको ट्रांसफर करना है, एक सिंगल इफेक्ट देना होता है। तो क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है वो जो बैलेंसेज हमारे को ड्यू पड़े हुए हैं कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में जो हमारे पास बैलेंसेस पड़े हुए हैं, अब हमें उनको ट्रांसफर करके खत्म करना है। और यहाँ पे सिर्फ कौन से बैलेंसेस की बात होगी, सिर्फ उन चीज़ों की जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी आनी है। बाकी भी चीज़ें दी होंगी ट्रायल बैलेंस में तो वो क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन चीज़ों की बात करनी है, उन्हीं की जर्नल एंट्रीज सीखनी है, उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर करने की कहाँ, जो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे आते होते हैं, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहीं से हमारी सारी एंट्रीज यहाँ निकल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी होती है वो होती है हमारी ये परचेजेस रिटर्न को, परचेज में हम लोग एडजस्ट करते होते हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री हम लोग लिखा करेंगे वो होगी, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा आता है कि राइट क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो सबसे पहले परचेज रिटर्न का बैलेंस यहाँ परचेजेस में एडजस्ट करना है और सेल्स रिटर्न का बैलेंस यहाँ सेल्स में एडजस्ट करना है। और यही एंट्री है जो बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं करनी, जिनको ये आता भी होता है वो बाकी एंट्रीज तो पास कर देते हैं लेकिन ये वाली एंट्री भूल जाते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं दिख रही होती इसको ट्रांसफर करने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री जो है वो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट फॉर ट्रांसफरिंग परचेज रिटर्न बैलेंस टू परचेजेस अकाउंट। यही एंट्री है जो बच्चे करना भूल जाते होते हैं, क्योंकि फॉर्मेट में स्पेसिफिकली हमें ये नहीं दिख रहा होता कि हमने कुछ ट्रांसफर भी किया है और फिर नेट परचेज और नेट सेल्स बाहर लिया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये वाली एंट्री, यहाँ मैंने इसको लगा दिया स्टार क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमें अच्छे से पता है परचेजेस का हमारा बैलेंस क्या होता है, परचेज का हमारा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, और हमें ये भी पता है परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो अब क्रेडिट बैलेंस हमारा खड़ा हुआ है परचेज रिटर्न का, हमें उसको ट्रांसफर करना है, हमें उसे खत्म करना है, ट्रांसफर करना है किसमें, परचेजेस में। तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको ट्रांसफर करना है, उसको कम करना है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री हमारी बनेगी परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसमें ट्रांसफर किया है हमने, परचेज रिटर्न जब हमारी होती है उससे हमारी परचेज की वैल्यू कम हो जाती है, तो परचेज का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, लेकिन इससे एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ परचेज रिटर्न। जर्नल एंट्रीज करते वक्त हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं किस तरीके से हमें सोचना होता है एक जर्नल एंट्री को पास करने के लिए। तो जिन भी बच्चों ने जर्नल वाला चैप्टर नहीं देखा है पहले जाकर जर्नल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरे तरीके से समझिए और फिर ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो परचेजेस हमें पता है एक्सपेंस था, वो डेबिट बैलेंस होता है उसका, अब हमें उसको कम करना है,
तो क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, इसलिए परचेजेस को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू परचेजेस अकाउंट, साथ ही में हमें यहाँ पर वो भी लिखनी होती है नरेशन, जो कि सेम ही आ जाएगी यहाँ, ट्रांसफर ऑफ परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। और कभी भी हमने जब जर्नल एंट्री पास करनी है, नरेशन लिखना हमने कभी भी नहीं भूलना। जो हमारी स्टेटमेंट होती है, जो हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है, वो सेम चीज़ आप लोग लिख सकते होते हैं, लेकिन नरेशन लिखनी है, क्योंकि नरेशन ना लिखने के भी मार्क्स जो है वो कट जाते होते हैं। तो ब्रैकेट में हमने नरेशन लिख देनी है, ट्रांसफर ऑफ परचेज रिटर्न बैलेंस टू परचेज अकाउंट। तो पहली एंट्री रही परचेज रिटर्न का बैलेंस हमने परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो कि कैसे किया है, परचेजेस में से माइनस किया है परचेज रिटर्न। परचेज का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न के कारण हमारा वो जो एक्सपेंस है वो कम हो जाता है परचेज वाला, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, इसलिए हमारा परचेज जो है वो क्रेडिट होता है हमारी जर्नल एंट्री में। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपने अमाउंट भी लिखनी है, जो भी अमाउंट होगी हमारी, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट भी बनाना है, क्योंकि क्लोजिंग एंट्रीज पूछी है आपसे, तो जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर ही आपने ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और जर्नल वाले सभी रूल ध्यान में रखने हैं। जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, साथ ही में हर एंट्री पास करने के बाद आप नरेशन भी लिखोगे, और डेबिट वाली अमाउंट और क्रेडिट वाली अमाउंट और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का जो टोटल होता है वो सेम होता है, हर चीज हमने ध्यान में रखनी है जर्नल वाली। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये रही, और परचेज रिटर्न हमारा क्यों डेबिट हुआ, परचेज रिटर्न का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, अब क्रेडिट को हमें खत्म करना, उसको ट्रांसफर करना, तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए हमने उसको करना है डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये खत्म हो गई, जो कि है फॉर ट्रांसफरिंग परचेज रिटर्न बैलेंस टू परचेज अकाउंट। अब सेकेंड, फिर से इंपॉर्टेंट एंट्री जो कि सब भूल जाते हैं करनी, वो क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग सेल्स रिटर्न बैलेंस टू सेल्स अकाउंट। तो सबसे पहली चीज, सेल्स रिटर्न का हमारा बैलेंस क्या होता है, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, हमें अच्छे से पता है। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, उसका उल्टा, वो होता है डेबिट बैलेंस। तो अब सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस पड़ा है, हमें उसको खत्म करना है, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट होना है इस जर्नल एंट्री में, और साथ ही में इससे क्या होगा, सेल्स का वैसे तो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न के कारण वो कम हो जाती है हमारी इनकम, तो इनकम हमारी कम हो गई, डेबिट डिक्रीज इन इनकम हमारा रूल होता है जर्नल का। वैसे तो क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा सेल का, लेकिन इससे हमारी जो सेल है वो कम हो गई, तो डेबिट डिक्रीज इन इनकम, इसलिए सेल्स अकाउंट हमारा डेबिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। साथ ही में ध्यान रखना है, हर एक अकाउंट के बाद अकाउंट वर्ड लिखना जरूर है, तो यहाँ पे डेबिट वाली अमाउंट लिखोगे, यहाँ पे क्रेडिट वाली अमाउंट आप लिखोगे, और एंट्री हमारी ये बनी, सेल्स हमारा जो थी वो कम हो गई, तो डेबिट डिक्रीज इन इनकम, इसलिए हमारा सेल्स अकाउंट डेबिट, और सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट बैलेंस, उसको खत्म करना था, इसलिए क्या किया, क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री भी हो गई, और यही दो थी मेन इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हमारी, जो हमने सबसे पहले ही पास कर देनी है, ताकि हमारे पास नेट परचेजेस यहाँ से निकल जाए और नेट सेल्स यहाँ से निकल जाए, और उसके बाद तो फॉर्मेट हमारे पास बना ही हुआ, हमें जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पर ही दिख रही हैं। क्या ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, तो पहली हमारी एंट्री क्या रहेगी, फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब बार बार ट्रेडिंग अकाउंट ही डेबिट होना है हमारा, ये सब लिखने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू नेट परचेजेस, नेट परचेजेस लिखना नहीं है, लिखना तो परचेजेस ही है, लेकिन अमाउंट नेट वाली लिखनी है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, तो बार बार ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी लिखते रहेंगे हम, क्योंकि ये सारे ही जो है हमारे डेबिट हो रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनकी एंट्री भी ऐसी बन रही है, तो हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री सीधी पास कर देते होते हैं सारी डेबिट वाली आइटम्स के लिए। तो थर्ड एंट्री हमारी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, थर्ड क्लोजिंग एंट्री फॉर अकाउंट्स विच आर ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग
अकाउंट। तो जो भी चीज़ें हमारी डेबिट साइड पे आई हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, उनके लिए हमारी क्लोजिंग एंट्री क्या रहेगी उनको ट्रांसफर करने की, ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। किस अमाउंट से वो तो ऐड करके ही पता चलेगा जो भी ये सारे होंगे, लेकिन लिखना क्या है टू, यहाँ से स्टार्ट हो जाना है। जो जो भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज, जो भी आपको दिया होगा वो सारे ही यहाँ पे आपने टू करके लिख देने हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, जिसकी अमाउंट यहाँ क्रेडिट में आएगी इधर, टू परचेजेस, यहाँ पर जो आपकी नेट परचेजेस रहेंगी वो आएंगी, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में सीधा यहाँ आउटर कॉलम पे लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कौन सी अमाउंट आनी है, यहाँ पर ये वाली अमाउंट आएगी जो बाहर आपने लिखी हुई है वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो क्या परचेज रिटर्न, तो ये ऑलरेडी ये तो यहाँ पे एडजस्ट हो ही गया परचेज रिटर्न आपका। तो जो ये वाली अमाउंट रहेगी ये हमारी यहाँ जर्नल एंट्री में आएगी, क्योंकि इतनी एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी फर्स्ट जर्नल एंट्री ने हमें करके दे दी। टू, उसके बाद जितने भी आपके खर्चे होंगे आप सारे ही यहाँ पर लिख दोगे, तो कुछ मैं भी यहाँ पर लिख देती हूँ। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू सेम ही चीज़ें लिखी जानी यहाँ पर हमने, वेजेस अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट अकाउंट भी लिखना है, टू परचेजेस अकाउंट, टू कैरेज अकाउंट, टू फ्रेट अकाउंट, टू कार्टेज अकाउंट, जो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन में दिए होंगे वो ही आपने यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पे तो मैं जो भी हमने यहाँ फॉर्मेट में लिखा था सारे ही यहाँ पर लिख रही हूँ, लेकिन आपके जो क्वेश्चन में दिया होगा बस वही वाले खर्चे आपने सारे यहाँ पर टू टू करके लिखे जाने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारे डेबिट हो रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, कभी भी आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, मैंने यहाँ पर लिखी है, लेकिन आपने पूरा ही वर्ड लिखना होगा यहाँ पर। टू स्टोर्स कंज्यूम, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर नाम के साथ लिखा होगा तो वो आप यहाँ पर लिखोगे। टू डॉक चार्जेस, टू कस्टम ड्यूटी, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे आपको दी रहेंगी सबके आगे अकाउंट लिख के आपने यहाँ पर लिखना है। टू गैस फ्यूल एंड पावर, उसके बाद टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री लाइटिंग, ये मैं इकट्ठा ही लिख रही हूँ, टू फैक्ट्री रेंट एंड लाइटिंग। आपको जैसे जो क्वेश्चन में दिया हो, इंडिविजुअली दिया हो, ग्रुप करके दिया हो, आपने वैसे करके यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हमारे पास है टू रॉयल्टी, तो ऐसे करके आपने सारे यहाँ पे लिख देने हैं, और इनका जो टोटल आपका रहेगा वो यहाँ आएगा डेबिट वाले अकाउंट में, मतलब डेबिट वाले कॉलम में जो हमारी जो अमाउंट रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगी इन सब का टोटल। रिमेंबरिंग कि जर्नल में क्या होता है, हर एंट्री में टोटल ऑफ डेबिट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। साथ में यहाँ पे आप नरेशन भी लिखेंगे जिसमें आप लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ द अबव अकाउंट्स टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। साथ ही में बिल्कुल ध्यान रखना है कि जर्नल का फॉर्मेट भी बनाना है अगर आपसे ये क्लोजिंग एंट्रीज पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो उसके बाद हमने ये सारे जो टू साइड पे जितनी भी चीज़ें थी हमने सारी कवर कर ली। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का ऑलरेडी इफेक्ट हम दे चुके, अब सिर्फ क्या रह गया है जो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। तो फोर्थ एंट्री रहेगी क्लोजिंग एंट्री फॉर अकाउंट्स विच आर ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्या क्या है, सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है। फिर से सेल्स में कौन सी वाली आउटर कॉलम वाली वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि सेल्स रिटर्न तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ये सेकेंड एंट्री में एडजस्ट कर चुके हैं। तो क्या रहेगा हमें अच्छे से पता है, लेजर पोस्टिंग जो हमने करी थी हमने ऑलरेडी सीख लिया था, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट होता है। तो यहाँ पे हमारा बाय साइड पे लिखा हुआ है, तो एंट्री क्या पड़ेगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
सेल्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट साइड पे ही अमाउंट, और टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट है टोटल इन दोनों की वो यहाँ पर आ जाएगी। और साथ ही में हमें पता है ये ऐसा होता है क्यों है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्स का अकाउंट वैसे क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा यहाँ पर, तो हमें क्रेडिट को खत्म करना है, ट्रांसफर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट हमारी जोनल एंट्री होती है, और क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट भी हमें ट्रांसफर करना होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बार बार सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट ना लिखना पड़े, इसलिए हम कंपाउंड जोनल एंट्री ही यहाँ पर डाल देते होते हैं। फिर से यहाँ पे भी आपने नरेशन लिखनी होगी कि ट्रांसफर ऑफ अबव अकाउंट्स टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद फिर से एक एंट्री जो कि भूल जाते हैं बच्चे लिखना क्योंकि ध्यान नहीं होता, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिफ्थ, अगर तो हमारा रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकला और अगर तो हमारा रिजल्ट ग्रॉस लॉस निकला। तो दो केसेस हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। केस वन, अगर आपके क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, कि जो टोटल आपका होगा क्रेडिट साइड का वो ज़्यादा था और डेबिट साइड का आपका कम था, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल जाता होता है। तो इसको लिखते कैसे हम, यहाँ पे तो हम लोग लिख देते होते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, मतलब लेके कहाँ जाते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। तो एंट्री क्या रहेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको भी हम स्टार लगा देंगे। अगर केस वन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला, एंट्री रहेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, टू ये कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे हमने लेके जाना है, यहाँ लिखा भी है हमने टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, बट ये जा कहाँ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि इसको ट्रांसफर करना है कहाँ होता है, कैरी डाउन कहाँ पे लेके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है। तो एंट्री हमारी रहेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तब है अगर ग्रॉस प्रॉफिट है। साथ में नरेशन लिखेंगे बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और केस टू अगर हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये ए था हमारा फिफ्थ का ए, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फिफ्थ का बी, तो यहाँ पे मैंने लिखा केस टू अगर हमारे पास क्या निकला, ग्रॉस लॉस निकल गया, तो हमारी जोनल एंट्री क्या रहेगी, इसकी उल्टी निकलेगी ऑब्वियसली, जो कि होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो इस साइड निकला है, तो इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट होता है, तो हमारी एंट्री क्या बनी, इसको डेबिट करके टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट वाली अमाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट वाली अमाउंट हमारी आ जाएगी। साथ ही में आप लोग नरेशन भी लिखेंगे बीइंग ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी के साथ ये जो क्लोजिंग एंट्रीज है वो हमारी ख़त्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इन्हीं दो को बोलूँगी कि परचेज रिटर्न के अकाउंट को ट्रांसफर करना और यहाँ पर सेल्स रिटर्न के अकाउंट को ट्रांसफर करना। और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट की एंट्री, नहीं भूल सकते हम क्योंकि लास्ट में जो रिजल्ट निकला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको ट्रांसफर करना कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बिल्कुल भी आप डरेंगे नहीं, चाहे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आए, चाहे आपको क्लोजिंग एंट्रीज आए, आपको अच्छे से पता है आपने क्या करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।